हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जियोलॉजिका। आज का हमारा टॉपिक है प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। ये टॉपिक हमारे एक व्यूअर ने सजेस्ट किया था, तो आगे भी रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड टॉपिक्स आते रहेंगे, लाइक GPS, GIS, एरियल फोटोग्राफ्स, इमेज इंटरप्रिटेशन टेक्निक्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं प्लेटफॉर्म एंड देयर टाइप्स से। प्लेटफॉर्म जो होता है वो मेनली एक स्टेज होती है जिस पर हम सेंसर और कैमरे को प्लेस करते हैं, और जो सेंसर है वो टारगेट जिसका भी इन्वेस्टिगेशन करना है उस टारगेट की इन्फॉर्मेशन को गैदर करता है। तो प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो स्टेप लैडर से सैटेलाइट तक वेरी कर सकते हैं, ये हाइट से भी वेरी कर सकते हैं, लाइक अर्थ सरफेस से स्पेस तक कहीं पर भी ये प्लेटफॉर्म हो सकते हैं। तो मेनली जो भी स्टेज होती है जिस पर सेंसर को प्लेस करते हैं वो प्लेटफॉर्म कहलाता है। प्लेटफॉर्म को उनकी हाइट के बेस पर हम तीन भाग में डिवाइड करते हैं, ग्राउंड बाउंड, एयर बाउंड एंड स्पेस बाउंड। जो ग्राउंड बाउंड प्लेटफॉर्म्स होते हैं उनकी काफ़ी सारी वैरायटीज होती है, जैसे कि हैंड हेल्ड डिवाइसेस भी एक तरीके का ग्राउंड बाउंड प्लेटफॉर्म है जिसमें हम सेंसर्स को हाथ में लेकर यूज करते हैं। ट्राईपॉड स्टैंड पर भी हम सेंसर्स को यूज करते हैं। टावर्स भी एक तरीके के ग्राउंड बाउंड प्लेटफॉर्म है। क्रेन्स पर भी हम जो है सेंसर को प्लेस कर सकते हैं, जैसे कि इस टावर पर हमने प्लेस कर दिया और ये अल्टीमेटली ग्राउंड से अटैच है तो ये ग्राउंड बाउंड प्लेटफॉर्म हो गया। ठीक यहाँ पर ये क्रेन भी है, ये भी ग्राउंड से अटैच है, तो ये रिमोट सेंसिंग भी ग्राउंड बाउंड प्लेटफॉर्म के अंतर्गत आती है। ये हैंड हेल्ड डिवाइसेस है, ये एक डिवाइसेस है जिसको कि मेनली हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन में यूज किया जाता है। देन एयर बाउंड प्लेटफॉर्म जो होते हैं वो मेनली एयर में ही वर्क करते हैं। इनके एग्जाम्पल्स लाइक बैलून्स, एयरक्राफ्ट, रॉकेट्स, हेलीकॉप्टर्स आदि जो है एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म होते हैं, क्योंकि हमेशा एयर में ही रहते हैं। लाइक ये बैलून जैसे हवा के साथ साथ ये उड़ते चले जाते हैं और इनका जो सेंसर है वो अपना वर्क करता रहता है। नेक्स्ट ड्रोन भी एक तरीके का एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म है, क्योंकि इसमें ये नीचे साइड जो है सेंसर लगा हुआ होता है और ड्रोन्स के द्वारा हम भी जो रिमोट सेंसिंग यूज कर सकते हैं। देन ये रॉकेट्स के लिए भी एक एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म होता है। इसमें थर्मोमीटर, बैरोमीटर और अदर ह्यूमिडिटी लाइक सेंसर्स का ही यूज कर सकते हैं और वेदर रिलेटेड फिनोमेनास को पता करने के लिए। नेक्स्ट वन इज स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म में मेनली आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स आते हैं जो कि स्पेस में अर्थ के राउंड घूमते रहते हैं, क्योंकि स्पेस में रहते हैं इसलिए इनको स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म कहते हैं। लाइक दिस इज अ सैटेलाइट, इसमें हम एक जो है सेंसर को प्लेस कर सकते हैं इस जगह पर और ये जो रिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन उसको सेंस कर सकता है, तो दिस इज स्पेस बॉर्न प्लेटफॉर्म। नाउ जो सेंसर्स का यूज करते हैं वो सेंसर एक्चुअली में होता क्या है। सेंसर एक तरीके की डिवाइस होती है जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और अदर टाइप की एनर्जी को गैदर करती है और उसे सेंस करती है, फिर उस एनर्जी को सिग्नल के रूप में कन्वर्ट कर देती है और हम जो है टारगेट जिसका हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है। ओके, तो जो सेंसर्स होते हैं वो जो भी एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहे हैं उन एनर्जी का सोर्स क्या है, इस बेसिस पर दो सेंसर्स होते हैं, दो टाइप के सेंसर्स होते हैं। एक होता है एक्टिव सेंसर, दूसरा होता है पैसिव सेंसर। जो एक्टिव सेंसर होता है वो अपनी खुद की एनर्जी का यूज़ करते हैं, वो अपनी खुद की एनर्जी अर्थ पर सेंड करते हैं, लाइक इन दिस पिक्चर ये खुद की एनर्जी का जो है ये अर्थ पर यहाँ पर सेंड किया, फिर ये एनर्जी हमारे टारगेट से रिफ्लेक्ट होके आई और जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी है उसको सेंस करेगा और हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। रडार एंड लिडार ये दो सेंसर्स हैं जो कि एक्टिव सेंसर्स होते हैं। जो रडार होता है दैट इज रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग, इसमें रेडियो वेव्स का यूज करते हैं, एंड लिडार में लाइट वेव्स का यूज़ करते हैं दैट इज लाइट डिटेक्शन एंड रेंजिंग। जो पैसिव सेंसर्स होते हैं उनमें सेंसर्स की खुद की एनर्जी नहीं होती है, वो सोलार इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी का यूज़ करते हैं, दे यूज सोलार EMR। ओके, लाइक इन दिस एग्जांपल सन के द्वारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आ रहा है, वो हमारे टारगेट जो भी ऑब्जेक्ट है उससे रिफ्लेक्ट होकर सेंसर तक पहुँचेगा और सेंसर उसको सेंस कर लेगा। अब ये जो एक्टिव सेंसर्स एंड पैसिव सेंसर्स हैं इनके कुछ एडवांटेजेस भी हैं और कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेज क्या हैं, जो एक्टिव सेंसर्स हैं जो खुद की एनर्जी को यूज़ करते हैं
उनका यूज़ हम रात में भी कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं, क्योंकि नाइट में हमारे पास सोलर एनर्जी तो होती नहीं है, तो हम एक्टिव सेंसर से खुद अपना एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे और फिर उसके रिफ्लेक्शन को ऑब्जर्व करेंगे। अब इसका एक डिसएडवांटेज भी है, क्योंकि एक्टिव सेंसर अगर खुद की एनर्जी को एमिट करेगा तो उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, और जो कि काफ़ी एक डिफ़िकल्ट टास्क होता है, काफ़ी सारी एनर्जी प्रोड्यूस करना। वहीं अगर पैसिव सेंसर्स की बात करें तो इसके साथ एडवांटेजेस ये हैं कि इनकी खुद की कोई एनर्जी यूज़ नहीं करनी होती है, तो ये बहुत ही कम एनर्जी के साथ काफ़ी लंबे टाइम तक वर्क कर सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन इसके साथ डिसएडवांटेजेस यही है कि ये ओनली तभी वर्क करेगा जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो सन के द्वारा आ रही है वो सही तरीके से आए। लाइक अगर क्लाउड कवर है तो इनकी वैल्यू थोड़ी कम हो जाती है, ये उतना इफ़ेक्टिवली वर्क नहीं कर सकते। तो इट्स ऑल अबाउट प्लेटफॉर्म एंड सेंसर्स ऑफ रिमोट सेंसिंग। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई सजेस्टेड टॉपिक है तो वो भी बताएं, हम उस पर वीडियो बनाएंगे। एंड लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।